प्रश्नावली 3.2 पहले का दूसरा सवाल x का मान ज्ञात करना है। अब ये बहुभुज है 1 2 3 4 5, तो पांच भुजाओं से घिरी बंद आकृति को पंचभुज कहा जाता है और इसके बाहर के कोणों का मान हमें निकालना है इस x का। तो ये उत्तल बहुभुज है और उत्तल बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चूंकि ये कोण 90 डिग्री दे रखा है, ये 70 डिग्री दे रखा है, इसका मान x दे रखा है, अंदर वाला कोण 180 डिग्री दे रखा है, तो कोण 1 का मान निकालेंगे। दोनों का योग 180 डिग्री होता है, देखिए कोण एक बन रहा है, एक रेखा पर बने दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से 90 डिग्री घटा देंगे तो 90 डिग्री आ जाएंगे, देखिए कोण युग्म हो जाएगा। अब चूंकि एक उत्तल बहुभुज है जिसके सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो 70 डिग्री ये प्लस x प्लस 90 डिग्री प्लस के 60 और प्लस के 90 बराबर 360 डिग्री, इन सभी को जोड़ेंगे तो 310 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। x का मान हमें ज्ञात करना है, 360 डिग्री इधर है और 310 इधर प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस बन जाएंगे, 360 डिग्री माइनस 310 बराबर x बराबर 50 डिग्री आ जाएगा। दूसरा सवाल, भुजाओं की संख्या दे रखी है और एक प्रत्येक बाएं कोण का मान हमें निकालना है, तो भुजाएं नौ है, प्रत्येक बाएं कोण का जो फॉर्मूला है वो 360 डिग्री बटे पे a, अर्थात 360 डिग्री में भुजाओं का भाग देना है, तो 360 डिग्री में 9 का भाग देंगे तो 40 डिग्री से प्रत्येक बाएं कोण का मान आ जाएगा। दूसरी भुजाएं 15 भुजाएं हैं, तो प्रत्येक बाएं कोण का मान बराबर 360 डिग्री बटे a, 360 डिग्री में 15 का भाग देंगे तो 24 डिग्री प्रत्येक बाएं कोण का मान आ जाएगा। तीसरा सवाल दे रखा है, एक बाएं कोण का मान दे रखा है 24 डिग्री और समबहुभुज की भुजाओं की संख्या हमें ज्ञात करने को कहा है, तो एक बाएं कोण का मान 24 डिग्री, समबहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला है वो 360 डिग्री बटे हुए भाग में कोण, तो 360 डिग्री में 24 का भाग देंगे तो 15 भुजाएं इसके आंसर आ जाएंगे।